उड़ान रेल लाइन में आप सभी का स्वागत है। उल्लासनगर महानगर पालिका, उल्लासनगर महानगर पालिका के नगर रचनाकार गुरुकुल की रिटायरमेंट 31 मई को तय थी। यह बात उल्लासनगर के आर्किटेक्ट्स व बिल्डर्स को पता चल चुकी थी। रिटायरमेंट की तारीख नज़दीक आते देख 28 मई से ही यहां पर बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स व भवन निर्माता अपने प्लान को अनुमति दिलाने के लिए नगर रचना विभाग में डेरा जमाए हुए थे और बिल्डिंग प्लान मंजूरी हेतु टीपीटी कार्यालय में फाइलों का अंबार लग गया और सभी को प्रतीक्षा थी कि उनके प्लान पर नगर रचना कर द्वारा स्टैम्प लग जाए और उनके प्लान को मंजूरी मिल जाए और नगर रचना कर गुरुकुल जी भी काफ़ी उत्तेजित नजर आए और कुछ प्लानों को 28 तारीख को ही मंजूरी मिल गई और उसी रात 9 बजे के करीब उल्लासनगर कैंप 2 में साई शक्ति अपार्टमेंट का स्लैब गिरा और इस हादसे में कई लोगों की जानें गईं और नगर रचना कर गुरुकुल उस बिल्डिंग के धराशायी होने की रिपोर्ट बनाने में जुट गए। और दूसरी ओर शनिवार, रविवार, सोमवार तक यहां के भवन निर्माता इस इंतजार में, इस आस में रह गए कि उनके प्लान्स को अनुमति मिल जाएगी। शनिवार को गुरुकुल अपने कार्यालय तो आए पर वे साई शक्ति बिल्डिंग के धराशायी होने की रिपोर्ट बनाने में व्यस्त रहे और सोमवार यानी कि 31 मई को भी भवन निर्माता व आर्किटेक्ट यह आस लगाए हुए थे कि शायद उनके प्लान को मंजूरी मिल जाए। जहां पर उन्होंने टीपीटी कार्यालय में गुरुकुल को जन्मदिन की बधाई देने का व उससे सेंडा पार्टी का आयोजन किया था। हाँ दोस्तों, 31 मई को टाउन प्लानर गुरुकुल का जन्म दिवस भी था और 31 मई को भी गुरुकुल आयुक्त साहब के साथ साई शक्ति बिल्डिंग की रिपोर्ट बनाने में व्यस्त रहे और शाम को जब 6:30 बजे अपने टीपीटी कार्यालय पहुंचे तो वहां पर भवन निर्माता व आर्किटेक्ट इंजीनियर्स उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इसी भी शाम को 4 बजे नए एडिशनल डीपी मूले ने टीपी की चार्ज ले ली थी। गुरुकुल के सेंड ऑफ के साथ साथ बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने नए एडिशनल डीपी मूले का भी स्वागत किया। गुरुकुल ने नए टाउन प्लानर को टाउन प्लानिंग के स्टाफ इंजीनियर्स से भी परिचित कराया। वहां उपस्थित लोगों में अब भी यह आस थी कि शायद गुरुकुल उनके पुटअप किए हुए प्लान को अनुमति दे दे व उन्हें मंजूरी दे दे, जो कि असंभव था क्योंकि शाम के 7 बज चुके थे यानी कि ऑफिस आवर्स ख़त्म हो चुके थे और नए टीपी ने भी चार्ज ले लिया था और कई लोग तो डेवलपमेंट चार्जेस के पेमेंट ऑर्डर का पे ऑर्डर भी बनवा के लाए थे। शायद वे गुरुकुल को प्लान पास करने हेतु कन्विंस करने की कोशिश भी कर रहे थे। अब उनकी कोशिश किस तरह कामयाब होती है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। सगळ्यांना धन्यवाद, सगळ्यांनी मला सहकार्य केलं असं सहकार्य फक्त साहेबांना करा, ठीक आहे, असं सहकार्य राहू द्या ही माझी विनंती। म्हणून मला असं म्हणलं की गुळवे साहेब गेले नाही असं नका समजू, गुळवे साहेब आहेत असं समजा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे शहर के आदमी और यहाँ के डेवलपर्स को? माझी मनस्थिति ठीक नहीं है, मी नंतर एक तो साहेब नंतर भी तो सुन। शायद साई शक्ति बिल्डिंग हादसे ने गुरुकुल के माइंड को डिस्टर्ब कर लिया है। टाउन प्लानर गुरुकुल की इस परिस्थिति को देखते हुए वहाँ के लोगों में मायूसी जा गई वह मुझे यह गाना याद आ गया। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।